नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। लाइव सिटीज डॉट इन में जो सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है वो मोहन भागवत के बयान को लेकर के आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज आरएसएस के 93 स्थापना दिवस पर श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो बयान दिया है उसे लेकर के बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि आज सुबह 93 स्थापना दिवस यानी आरएसएस का जो 93 स्थापना दिवस आज मनाया गया उस दौरान मोहन भागवत ने श्री राम मंदिर को लेकर के कहा कि ये प्रूफ हो चुका है कि वहाँ पे मंदिर हुआ करता था और वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से इसे इस मामले को बहुत दूर तक खींचा गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार जो है जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाए, इसके लिए सरकार जो है कानून लेकर आए और वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाए। वहीं इस बारे में, इस पूरे बात को लेकर के मोहन भागवत का जो ये बयान आया उसे लेकर के बिहार में जो उसकी साथी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है जदयू, उसके महासचिव केसी त्यागी ने जो है अपना स्टैंड साफ करते हुए मोहन भागवत के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने केसी त्यागी ने जो है इस पूरे मामले में कहा कि हमारा स्टैंड जो है राम मंदिर को लेके वो पहले से जो है क्लियर है, साफ है। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर इस पूरे मामले में कोर्ट कोई फैसला लेता है तो उस फैसले को माना जाए, या फिर अगर दोनों समुदाय के लोग आपस में बैठ के मिलजुल के इस मामले का हल निकाल लेते हैं तो वो भी हमें स्वीकार होगा। उन्होंने साफ तौर पे जो है मोहन भागवत के इस बयान पे कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी पार्टी का स्टैंड रख सकता हूँ और दूसरों को भी उनका विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। वहीं इस मामले में बिहार की विपक्षी पार्टी राजद के तरफ से भी जो है आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत, उनके बयान को के ऊपर भी जो है कटाक्ष किया गया। इसे लेकर के राजद के जो एमपी हैं, राज्यसभा से सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने जो है राजद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक और आरएसएस जो है विश्वगुरु बनाने की बात करती है, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करती है, लेकिन भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब भारत में भूखमरी, लैंगिक असमानता जैसी जो बुराइयां हैं वो खत्म होगी। इसे लेकर के जो है मोहन भागवत आज तक जो है कोई बात नहीं बोलते, इन सब मामलों पर वे चुप्पी साधे रहते हैं। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जितना भी ये बात कहते हैं वो सिर्फ एक राजनीति है, ये असल में राम को फॉलो नहीं करते, ये आज तक गांधी के हे राम को समझ नहीं पाए हैं। वहीं बीजेपी ने, जो बिहार में जदयू की साथी पार्टी है सत्ता में, उसने जो है मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। उसने साफ तौर पे कहा कि राम मंदिर जो है हजारों लोगों की आस्था का विषय है और वहाँ पर जो है राम मंदिर बनना चाहिए। वहीं आप बता दें कि ये पूरा मामला एक बार फिर से, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है तो राम मंदिर का मामला जो है धीरे धीरे एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है। इससे पहले भी जो है राम मंदिर को लेकर के बयान आते रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस में जो है बड़े नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने भी जो है एक बयान दिया था एक इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सच्चे हिंदू हैं वो राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से देखें तो 2019 के चुनाव को लेकर के जो है एक बार फिर से जो है राम मंदिर का मामला गर्माता जा रहा है। लाइव सिटीज़ में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस के अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, हमारे पेज लाइव सिटीज़ डॉट इन को लाइक करें।